गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो आज हम पढ़ेंगे वो आप अपनी डेली लाइफ में रोज आजकल कर यूज़ करते हो पर आपने कभी इसकी डिटेल्स पे गौर नहीं फरमाया होगा तो कोई बात नहीं मैं किस लिए हूँ आज हम ये काम भी कर लेते हैं तो आज हम पढ़ेंगे पेमेंट मैकेनिजम्स के बारे में और पेमेंट मैकेनिजम्स जो इंडिया में है वो कौन सी कौन सी हैं एक तो नेफ्ट है और आरटीजीएस और तीसरा है आईएमपीएस तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले पेमेंट मैकेनिज्म की डेफिनेशन पढ़ के पेमेंट मैकेनिज्म इज़ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यूज टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इन अ फास्टर एंड एफिशिएंट मैनर पेमेंट मैकेनिज्म क्यों होता है ताकि हम मनी फास्टर वे में ट्रांसफ़र कर पाए तो देखिए पहले ज़माने में क्या होता था फ्रेंड्स या तो चेक सिस्टम होता था ठीक है या बिल्स ऑफ़ एक्सचेंज होते थे बिल्स ऑफ़ एक्सचेंज कौन यूज़ करता था ट्रेडर्स और बिजनेस हाउसेस यूज़ करते थे एक दूसरे को देने लेने व्यापार के लिए तो चेक को क्लियर होने में जैसे आपको पता है कि दो दिन का समय लग जाता है जब इंटर बैंक ट्रांजेक्शनस हो और पहले बैंक के लिए आप जाओ वहाँ पर डिपॉजिट कराओ लाइन्स में खड़े हो तो ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन भी होता है कि अरे कौन बैंक जाएगा कौन लाइन में खड़े होएगा आप कैश ही कैश में सेटलमेंट कर लो तो जब कैश में सेटलमेंट होता है तो वो रिकॉर्ड से बाहर होता है उसका बैंक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो पाता ना गवर्नमेंट को पता चलता है कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए और पेमेंट सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अलग अलग पेमेंट मैकेज़म्स निकाले जो कि नेफ्ट आर टी जी एन आई पी एस और इसके बारे में हम डिटेल में आज देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनमें डिफ्रेंसेज भी क्या होते हैं हम ये भी पढ़ेंगे करते हैं हम आर जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड सुना तो है आर टी जी खास करके हमारे जो फादर्स हैं उनको तो ये यूज आता ही आता है लेकिन कभी उन्होंने इसका फुल फॉर्म पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो आपके लिए है कि आप अपने फादर से पूछिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद कि पापा आर जो आप यूज़ करते हो उसका फुल फॉर्म क्या होता है और आप देखना वो जहाँ तक है नाइन्टी यही है कि वो नहीं बता पाएंगे इसका फुल फॉर्म तो हम देखते हैं कि आर होता क्या है The acronym RTGS stands for Real Time Gross Settlement, which can be explained as a system where there is continuous and real time settlement of fund, fund transfers individually on a transaction by transaction basis. Toh इसमें क्या टर्म्स यूज़ किएंगे रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फ़ंड मतलब जब आपने रिक्वेस्ट डाली अपने मोबाइल ऐप में कि आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट तो ये सेटलमेंट उसी टाइम होगा ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद जैसे ट्वेंटी फोर आवर्स सेटलमेंट या 48 एट आवर्स सेटलमेंट या 12 आवर्स सेटलमेंट ऐसा नहीं है उसी टाइम रियल टाइम सेटलमेंट होगा रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव जो कि मैंने आपको बताया उसी टाइम आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा और ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाएगा ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स दैट सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ऑकर्स इंडिविजुअली इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन जब दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन उसको उसी टाइम सेटल कर दिया जाता है ऐसा नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर प्रोसेसिंग होगी जैसे कि चेक के केस में होता है क्या होता है देखो फ्रेंड्स चेक में हर बैंक के ब्रांच पे चेक्स का कलेक्शन होता है शाम को चार बजे उसके बाद जब चा चार बजे तक और चार बजे वहाँ से एक वैन आती है बैंक की और वो सेटलमेंट के लिए लेके जाती है क्लियरिंग हाउस और वहाँ से क्लियर होते हैं लेकिन इसमें जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता जो इंस्ट्रक्शन उसी टाइम दिए जाते हैं वो फॉलो किए जाते हैं और उसी टाइम सेटलमेंट होता है आर सिस्टम इज़ प्राइमली मेंट फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर्स इन रिसीज़ इमीजिएट क्लियरिंग तो बेसिकली आर टी जी एस कौन से ट्रांजेक्शन के लिए सूटेबल होता है जहाँ पर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन करने ऑन इमीजिएट बेस इसकी अवेलेबिलिटी है तीन सौ पैंसठ दिन ट्वेंटी फ़ोर इंटू सेवन मतलब हर टाइम अवेलेबल है मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इज टू लैक मिनिमम जो ट्रांजेक्शन करना है वो दो लाख रुपए का होगा उससे कम अगर आपको रियल टाइम बेसिस पर सेलमेंट करना है तो आर टी जी एस इज़ नॉट द सूटेबल ऑप्शन तो अगर हमें दो लाख से कम का ट्रांजेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे क्या हम मोबाइल नेटवर्क के थ्रू नहीं कर सकते नहीं इसके लिए भी एक मैकेनिज्म पड़ा है जिसको हम अब आगे पढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट जो है वो है नेफ्ट जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट इज अ नेशन वाइज सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम ओन एंड ऑपरेटेड बाई आर बी आई इसको ऑपरेट कौन करता है आर बी आई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कई बार एम सी क्यूज में पूछ लिया जाता है इट इज़ अ नेशन वाइज पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड ट्रांसफर अंडर द स्कीम इंडिविजुअल्स फर्म्स एंड कॉरपोरेट्स कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ्रामी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फॉर्म और कॉरपोरेट हैदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम वो ही जैसे हम किसी से भी आ, किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे मान लेते हैं मेरा अकाउंट आई सी आई में ठीक है और जिनको मुझे पैसे भेजने हैं एच डी एफ सी में तो एच डी एफ सी ने भी नेफ्ट सिस्टम में एनरोल कराया हुआ है तभी मैं इस बैंक के खाते में भेज सकती हूँ अदर अदरवाइज अगर एच डी एफ सी एक पार्टिसिपेटिंग बैंक नहीं है नेफ्ट सर्विसेज में तो मैं नहीं ट्रांसफ़र कर पाऊंगी यूजिंग दिस सर्विसेज मैं दूसरी सर्विसेज का यूज़ कर सकती हूँ लेकिन नॉट नॉट बट दिस नेफ्ट द फंड ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट आर प्रोसेस्ड इन ट्वेल्व बैचेज बिटवीन एट एम

एलिमेंट होता है इन इन टाइम स्लॉट्स पे रियल टाइम बेसिस पे नहीं होता वीकेंड्स पे ये फैसिलिटी 8 बजे लेके 1 बजे तक ही आ, अवेलेबल होती है और कोई मिनिमम लिमिट नहीं है ट्रांजेक्शन की और ये फैसिलिटी संडे को अवेलेबल नहीं है बट जहाँ आपने देखा था आर क्या है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन इंटू थ्री सिक्सटी फाइव अवेलेबल है नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम बोलते हैं आई एम पी एस और मैंने आपसे बात करी थी कि अगर हमें रियल टाइम सेटलमेंट चाहिए और दो लाख से कम की कीमत हो तो कहाँ जाएंगे तो हम यहाँ आएंगे जिसको इमिजिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं आई एम पी एस का भी फुल फॉर्म मोस्टली लोगों को नहीं पता जबकि तकरीबन सभी लोग इसको यूज़ करते हैं इन सम वे और दीदे इज एन इंस्टेंट पेमेंट बैंक इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक जितने भी पेमेंट मैकेजम बने हुए हैं यूपीआई और जो ये भीम यूज करते हैं गूगल पे यूज करते हैं वो किस पे आधारित है आई एम पी एस पर आधारित है आई एम पी एस ऑफर एन इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स द सर्विस इज अवेलेबल ट्वेंटी फोर सेवन थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज भाई बैंक हॉलीडे पर भी वर्क करता है ये याद रखना है जबकि नेफ्ट नहीं करता इट इज़ मैनेज बाई एन पी सी आई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा मैनेज किया जाता है एंड वॉज पब्लिकली लॉन्च ऑन ट्वेंटी सेकेंड नवंबर टू थाउजेंड टेन ये लेटेस्ट एडिशन है पेमेंट मैकेजम में क्योंकि दो uh, हज़ार दस में ही लॉन्च हुआ था करंटली देर आर फिफ्टी थ्री कमर्शियल बैंक वन जीरो वन रूरल डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि इस फैसिलिटी के लिए अपने आप को एनरोल करा चुके हैं कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और अपर लिमिट भी नहीं है एक रुपये से लेके आप अपर लिमिट एक करोड़ या जितनी भी आपकी हैसियत है उस अकॉर्डिंग आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जबकि आर में आपको याद हो तो मिनिमम अमाउंट जो था दो लाख का था आइए अब एक बार डिफरेंसिस फटाफट से सो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू नेफ्ट में एक रुपये और कोई मिनिमम वैल्यू थी नहीं ना मैंने आपको बताया था लेकिन आर में मिनिमम वैल्यू है जो कि है दो लाख रुपये की याद रखना है पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो लेकिन आई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से होगा मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू आर में कोई लिमिट नहीं है नेफ्ट में भी कोई लिमिट नहीं है बट फ्रेंड्स मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी आई में मैक्सिमम लिमिट है जो कि है दो लाख रुपए की आर की जो मिनिमम लिमिट है वो आई की मैक्सिमम लिमिट है मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये बोल दिया था कि आई पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है दैट्स माई बैड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आगे से इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने कहीं नोट डाउन किया है तो सेटलमेंट टाइप हाफ आवर् बेसिस एंड रियल टाइम और इसमें भी रियल टाइम जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बैचेस में होता है सर्विस टाइमिंग्स एट टू सेवन ए टू सेवन अवेलेबल ट्वेंटी फोर सेवन बट दिस आर टी आर टी जी एस इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ ट्वेंटी फोर सेवन इन टू थ्री सिक्सटी फाइव आई थिंक दिस वन इज़ नॉट अपडेटेड नाउ इन वन ट्रांजेक्शन चार्जेस नो चार्जेस नो चार्जेस एंड आई एम पी एस के चार्जेस बहुत नेग्लिजिबल और बहुत मिनिमल से होते हैं बट इट इट वेरीज फ्राम बैंक टू बैंक बैंक अपने अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं कोई फिक्स्ड एक सीलिंग रेट नहीं लगाया गया है आर बी आई द्वारा बैंक टू बैंक ये चार्जेस डिपेंड करते हैं सो so, फ्रेंड्स आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे पेमेंट मैकेजम्स के जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए और इनके फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखने हैं एक तो इनकी जो लिमिट्स हैं वो और ये किसके द्वारा या कौन इनको रेगुलेट करता है वो जैसे कि आई को एन करता है और नेफ्ट को कौन करता है आर तो ये बातें जो हैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने के हैं क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन बनता जा, बन जाते हैं और अक्सर हम एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल फॉर द टू डेज थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिस